हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया एक्सपीरियंस वीडियो। जी हाँ दोस्तों, ट्रेड टेस्ट से संबंधित हमने ये वीडियो बनाया है और यहाँ पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी एक्सपीरियंस वीडियो की। तो आप जो है हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं कि क्या क्या वीडियोज़ हैं जो आपने मिस आउट कर दिया है, उसे आप जाके दोबारा जो है रिविज़न कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स का भी बाकी है ट्रेड टेस्ट, वो सभी दिन जो एवरी डे भी जो भी वीडियोज़ अपलोड होते हैं, चाहे वो मेरे चैनल्स पर हो चाहे किसी और के चैनल्स पर हो, आपको जहाँ से भी अच्छा लगता हो, जहाँ से अच्छा समझ में आता हो, आप उन चैनल्स जो है वीडियोस को देखिए, सुनिए, ताकि आपको जो है आगे बढ़ने का मौका मिले दोस्तों। क्योंकि आपको सभी को पता है कि अनुभव से ज़्यादा सीख कहीं से नहीं मिलेगी, और आपको पता है कि हमारी जो ज़िंदगी होती है वो सीमित है, यानी कि लिमिटेड है, तो हमें दूसरों के अनुभव से सीख कर ही आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, ट्रेड एक्सपीरियंस के जितना भी वीडियोज़ आप देख सकते हो उतना आपके लिए बेहतर है, ताकि जो है आप अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकें। चलिए दोस्तों, आज का जो एक्सपीरियंस वीडियो है, ये वीडियो है दोस्तों कपूरथला से। जी हाँ दोस्तों, कपूरथला का ये वीडियो है। वहाँ हमारे एक स्टूडेंट ने जो है हमें मैसेज किया था, फिर हमने उनसे बात की और उनका जो एक्सपीरियंस था वो हमने जो है आपके लिए लेकर आया है। तो दोस्तों, हम उसकी रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं सुनाते क्योंकि आपको पता है कि रिकॉर्डिंग मैंने 2-3 बार ट्राई किया था, उतनी अच्छी जो है आवाज़ क्लियर नहीं होती, काफ़ी स्टूडेंट्स के जो है कंप्लेंट्स रहती है। तो इसके लिए मैं जो है वीडियोस को जो पहले खुद अपना कॉल पे बात कर लेता हूँ, उसके बाद उसको एनालिसिस करने के बाद आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कह दूंगा दोस्तों कि अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। साथ ही दोस्तों, सरकारी नौकरी से संबंधित कोई भी जानकारी या कोई भी नया फॉर्म जब भी आता है, उसकी अपडेट आपको जो है स्मार्ट नौकरी चैनल पे मिल जाती है। यहाँ पे दोस्तों वेल क्वालिफाइड जो है प्रोफेसर्स हैं इस क्लासेस में, जो आप लोगों को टीच करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो पे बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि मैं हमेशा स्टार्ट करता हूँ डॉक्यूमेंट से, कि आपको जो है ट्रेड टेस्ट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो सबसे चीज़ है आपकी पहली एडमिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, एडमिट कार्ड आपके पास होना अनिवार्य है, ये तो आपको पता है, बिना इसके तो आप जा ही नहीं सकते। दूसरी चीज़ है आपका आईडी प्रूफ, यानी आईडी प्रूफ में आपके पास क्या होना चाहिए, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस या वोटिंग कार्ड। ये चार चीज़ में से कोई भी आपको जो है चलेगी, तो आप इन चारों में से कोई भी एक चीज़ ले लीजिए। उसके बाद आ जाते थर्ड नंबर पर, वो होता है हमारा कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट में उन सब के लिए बता देता हूँ जो जो कास्ट में आते हैं, बाकी सब जो ओपन वाले हैं उनके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, उनको कोई भी कास्ट के सर्टिफिकेट नहीं लगेंगे। देख लीजिए, मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे ऑलरेडी लिख रहा है EWS है दोस्तों। तो ये जो है SC, ST, OBC और EWS वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, और किस फॉर्मेट में लगेगा वो भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है, जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि RPF जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो आपको जो है यहाँ पे फॉर्मेट भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का लगेगा। काफ़ी स्टूडेंट जो है राजस्थान से मुझे मैसेज किए थे कि सर हमारा स्टेट गवर्नमेंट का है तो क्या चलेगा। जी हाँ, बिल्कुल चलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं हो, चाहे आप राजस्थान हो, गुजरात हो, UP हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, कहीं का भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, वो ज़रूर चलेगा। वहाँ पर आपको जो है टाइम दिया जा रहा है, जी हाँ दोस्तों, टाइम दिया जाता है कि आप उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी जो है ये खुशखबरी है कि क्योंकि आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट लेके दिक्कत हो रही थी, तो वो दिक्कत भी यहाँ से दूर कर दी गई है। अब बचता है दोस्तों आपके पास डॉक्यूमेंट्स लेके सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, बस एक है आपका एजुकेशन। तो एजुकेशन तो आपको पता ही है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आपको एजुकेशन में क्या लगेगा। आपको 10वीं या 12वीं जो भी आपके पास अवेलेबल है उसका आप मार्कशीट लेके जाइए, या पासिंग सर्टिफिकेट, दो होते हैं आपको पता है, एक जिसमें आपके मार्क्स होते हैं, दूसरा आपको उसमें भी मार्क्स होते हैं, बट उसे पासिंग सर्टिफिकेट कहा जाता है। तो ये दोनों में से आपके पास कोई भी अवेलेबल हो तो आप ले जा सकते हैं। और हाँ, अगर डेट ऑफ बर्थ आपका मेंशन नहीं है तो बहुत दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप उसी जो है क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट को लेके जाइए जिसमें आपका जो है मेंशन किया हो। और ये डेट ऑफ बर्थ जो है आपके एडमिट कार्ड, जी हाँ दोस्तों, आपके एडमिट कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ जो है आपके एजुकेशन और आपके जो है इसमें आईडी कार्ड में होना चाहिए। अगर दोनों मैच नहीं होता तो दोस्तों आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है, यानी कि सीधी सी बात है दोस्तों, दिक्कत का यहाँ पर अर्थ ये है कि आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, पूरा हमारा एजुकेशन के बारे में हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, अब बात करते हैं ट्रेड टेस्ट के बारे में। तो जो आज का एक्सपीरियंस है कपूरथला में, तो वहाँ पे आपको क्या किया जा रहा है, जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे आपको जो है एक डेस्क है, पहला राउंड जो मैं आपको बताता हूँ, वो डेस्क पे आपको जो है सब कुछ रखा हुआ है ऐसे बकेट में, सब्जियों के नाम और मसालों, तो ये सभी जो है आपसे दोनों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, इस तरफ जो है सब्जियाँ रखी हुई हैं और इस तरफ मसाले रखे गए हैं। तो दोस्तों टोटल जो है 400 स्टूडेंट आए हुए थे लगभग, जो हमारे स्टूडेंट ने हमसे शेयर किया। तो यहाँ पर भी दोस्तों इनका 15-15 और 20-20, यहाँ दोस्तों 2-3 बैच ऐसे ऐसे थे जिसमें 15-15 थे और बाकी के बैच में 20-20 स्टूडेंट थे। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जितने प्रेजेंट हैं, उसके हिसाब से जो है बैचेस बनती हैं। बैचेस आपको मैंने पहले ही बता दिया, फिर से बता देता हूँ, आपको एक रो दिवाना जाएगा जिसमें 20-20 स्टूडेंट्स को जैसे बैठा दिया जाएगा, उसके बाद आपको नाम दिया जाएगा 1, 2, 3, 4, 7, 9, 7,
जो भी आपका नंबर होगा सीरियल वाइज, जो भी फिर आपको सीरियल वाइज बुलाया जाएगा कि बैच नंबर 1 इज प्रेजेंट, फिर वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे अंदर एंट्री करेंगे। अब वहाँ पे जो है 10-10 में डिवाइड कर दिए जाते हैं, यानी 10 स्टूडेंट्स यहाँ 10 स्टूडेंट यहाँ। तो ये आपका पहला राउंड स्टार्ट हो रहा है। तो पहले राउंड में आपको क्या कर दिया जाएगा, इस तरह जो है सर्कल जो है आप बना दे, देखिए इसे सर्कल बना दिया जाएगा या फिर स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, जैसा वहाँ पे समय हो, जैसा उनके पास जगह हो, वैसा आपको साफ कर दिया जाता है। तो हमारे जो स्टूडेंट ने बताया उनके यहाँ पे देखिए इस प्रकार का कुछ था मेज, जिस पे जो है यहाँ पे सब्जियाँ रखी हुई थी। तो 10 स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक एग्जामिनर जो है लेके सवाल पूछ रहा था और 10 एग्जामिनर इस तरफ, तो इस तरफ मसाले रखे हुए थे, ये मसाले हैं और वो ऊपर वाला सब्जियाँ हैं। तो जो सब्जियां हैं उन सब्जियों के नाम पूछे जा रहे थे। तो काफ़ी स्टूडेंट दोस्तों इस बार जो है हमारे जो एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट थे उन्होंने बताया कि सर सब्जियों के नाम में लोग काफ़ी फेल हो गए, क्योंकि सब्जियों के नाम लोगों को पता नहीं, अपने अपनी भाषा में अपने अपने सिटी में जैसे जो लोग नाम देते हैं उसी नाम में बोलते हैं और एग्ज़ामिनर जो है उन्हें कैंसिल कर दे रहा है। तो ये दिक्कत काफ़ी हो रही है दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो आप सभी का जो सब्जियों का नाम है जो स्टैंडर्ड कहते हैं, जैसे इंडियन स्टैंडर्ड में जो नाम दिया गया होगा आपको वही स्टैंडर्ड में बताना है। तो यहाँ पे लोग काफ़ी दिक्कत ये हो जा रही है कि लोगों को लगता है कि जो उनका लोकेलिटी है, जो उनकी लोकेलिटी होती है उसी लोकेलिटी में जो है उन्हें सब्जियों के नाम बताना है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर आपके साथ टेस्ट बाकी है तो आप इस बात को नोटिस कर लीजिए कि आपको अपने लोकेलिटी में क्या बोला जाता है सब्जी को, वो सब्जी का नाम नहीं देना है। आपको एक स्टैंडर्ड दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप स्टैंडर्ड मार्क्स देख सकते हैं, चार्ट मिलता है स्टूडेंट्स लोग को, बच्चे लोग को साथ पूछेंगे जो 5वीं 6वीं 10वीं में जो पढ़ते हैं उन सभी लोगों के पास भी वो चार्ट बना होता है जिसमें सब्जियों के नाम लिखे होते हैं। पहले दूसरे में भी शायद अवेलेबल है दोस्तों, तो आप जो भी चार्ट अवेलेबल है आप उसमें जाकर देखिए। एक स्टैंडर्ड दिया गया है कि सब्जी को किस नाम से बुलाया जाता है, उसी सब्जी को आपको उसी नाम से बुलाना है। मसालों पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया, आप वहाँ पे जाके 80 प्रकार के जितने मसाले हैं वहाँ पे सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में मैं आज आप बताने वाला हूँ सब्जियों की लिस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो यहाँ पे आपको पूरी तरह से बने हुए रहना है, क्योंकि दोस्तों पहले राउंड में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप टेस्ट अंदर दे ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको पूरा का राउंड बता देता हूँ, उसके बाद मैं अपने सब्जियों का नाम जो है कंटिन्यू करता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों पहला राउंड। अगर आप फर्स्ट राउंड पार कर लेते हैं, यानी सब्जियों के नाम जितने हैं वो पार कर लेते हैं, तो जाके आपको अंदर प्रवेश दिया जाएगा। तो चलिए हम भी पहला राउंड पार करते हैं। सब्जियों के नाम मैं आपको बताऊंगा और आपको देखना है और आपको पहचानना है दोस्तों कि आपको वाकई इसका नाम पता है कि नहीं, क्योंकि आप अपने आप से ईमानदार हैं तो आपको पता है कि हाँ मुझे सब्जी का नाम पता है और ये सब्जी का नाम नहीं पता था। चलिए स्टार्ट करते हैं सब्जियों में। तो देखिए सब्जियों के प्रकार और फ़ायदे आपको पता है, एक तो होते हैं पत्तीदार सब्जियाँ यानी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, दूसरा फूल वाली सब्जियाँ होती हैं, तीसरा जो है बीज वाली हैं, चौथा पानी वाली, जड़ वाली, ये सभी प्रकार हैं दोस्तों सब्जियों के। तो ये सभी को आपको जो है पता होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए लोबियों की फली जिसे हम बरबटी कहते हैं, तो ये होता है आपको इंग्लिश में से देखिए ब्लैक आइड बीन, ग्रीन लॉन्ग बीन्स, जो भी आप कहते हैं इनमें से आपको कोई भी जो है स्टैंडर्ड ये सब नाम दिए हुए इनमें से ही आपको एक नाम बताना है। अगर हिंदी में बताते तो हिंदी में बताइए, इंग्लिश में बताना तो इंग्लिश में। अब सेकेंड पे आते हैं, सेकंड में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यहाँ पे क्या दिया, बाकले की फली। जी हाँ दोस्तों, आपको यही नाम बताना है, ये स्टैंडर्ड नाम है। आप ये सोचिए कि आपके लोकल में क्या कहते हैं, आपके सिटीज़ में, आपके शहर में क्या कहते हैं, वो उससे मायने नहीं रखता। आप सेंट्रल टाइम पे जो है, सेंट्रल जो है लेवल पे काम कर रहे हैं, यहाँ पर आप जॉब के लिए आए हैं, तो यहाँ पर जो आपको स्टैंडर्ड दिया हुआ उसी स्टैंडर्ड में बात कीजिए। तो आपको ये ही जो है आपको नाम बताना होगा। इसे फावा बीन्स या बोर्ड बीन भी कहते हैं, फाकले की पतली फली भी कहते हैं। अब आते हैं नंबर 3 पे, देखिए फ्रेंच बीन्स। जी हाँ दोस्तों, ये फ्रेंच बीन्स है, इसे फ्रेंच बीन्स कहते हैं। तो आप इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं किस प्रकार दिखता है, ये पतला सा पतला लंबा लंबा है। तो ये सबको आपको जो है ऑब्जर्व करना है ये अच्छे से। नंबर 4 पे आ जाते हैं सेम की फली। जी हाँ, ये तो कॉमन है लेकिन फिर भी मैं आपको बताना ज़रूरी है मेरा कि सारे जो आप वीडियोज़ में जो आप पूरा देख सकते हैं यहाँ पर, ये सेम की फली कहते हैं इसे। अब आ जाते हैं हम क्लस्टर बीन्स यानी गवार। गवार को तो आप जानते हैं, इसे गवार ही कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, सभी जगह अगर आपके शहर में कुछ और कहा जाता तो आप देख लीजिए, इसको गवार का नाम दिया गया है स्टैंडर्ड नाम। अब आ जाते हैं कबज जो पत्ता गोभी। पत्ता गोभी तो आप सभी को पता है, ये फेमस है। फूल गोभी भी आपको पता है दोस्तों, देख लीजिए एक बार, मैं भी आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पर। अब आ देखिए हरी गोभी। जी हाँ दोस्तों, ये सभी को नहीं पता है बट एक बार देख लीजिए, इसे फूल गोभी मत कह दीजिएगा, इसे हरी गोभी कहते हैं, इसे ब्रोकली कहते हैं। अब देखिए इसे गांठ गोभी कहा जाता है, किस प्रकार होता है गांठ गोभी देख लीजिए, कलर देख लीजिए, यहाँ पे पत्ते रहे देख लीजिए, इस प्रकार जो ऑब्जर्व करना है आपको। नंबर 10 पे आ जाते हैं पुदीना, मिंट, ये तो आप सभी को पता होगा। अब आ जाते हैं हरी धनिया के पत्ते। जी हाँ दोस्तों, इसी कोई सवाल ही नहीं होता, ये आप सभी को पता है, कड़ी पत्ता तो आप फेमस है। अब मेथी, मेथी की सब्ज़ी भी आप सभी ने खाया होगा, काफ़ी टेस्टी होती है, मेथी पहचानते भी होंगे आप। पालक तो ऑब्वियसली, पालक तो हमारा फेवरेट है। ग्रीन सरसों, जी हाँ ये थोड़ा दिक्कत दे सकते हैं, ग्रीन मस्टर्ड, तो आप इसे देख लीजिए कैसा दिखते हैं।
अब ये है शलजम। जी हाँ दोस्तों, ये हर जगह अलग अलग नाम से बुलाए जाते हैं, तो आप देख सकते हैं इनका नाम जो स्टैंडर्ड नाम है वो शलजम है। अब ये सलाद ग्रीन लीव्स कहते हैं इसे, मस्टर्ड सीड कहते हैं, सलाद हरी पत्तियाँ। ये वाइल्ड स्पिनच है या फिर बथुआ, जी हाँ बथुआ जो है बहुत फेमस नाम है। हरा सोया, जी हाँ देख लीजिए हरा सोया कैसा दिखता है, फैनल डिल कहते हैं इसे। ग्रीन ऑनियन, हरा कांदा, मराठी में देखिए अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा हरा कांदा कहा जाता है इसे, बट इसका स्टैंडर्ड नाम हरा प्याज है। ऑनियन यानी प्याज, महाराष्ट्र वाले आप समझ समझेंगे, आपके लिए तो कांदा है। जी हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ पे भी इसे कांदा कहा जाता है क्योंकि हम मुंबई के रहने वाले हैं, तो ये कांदा है हमारे यहाँ पे, लेकिन स्टैंडर्ड इसे प्याज कहते हैं, ऑनियन। चुकंदर, ये देखिए करेला, करेला तो आप सभी को पता है करेला बहुत कड़वा होता है दोस्तों। लौकी, बॉटल गॉड, लौकी भी बहुत जानी है, ये तो पता है। शिमला मिर्च, जी हाँ कैप्सिकम के नाम से फेमस है ये। गाजर, कैरेट, टमाटर के बारे में तो बताने की आवश्यकता नहीं है, टमाटर तो आप सभी का जो है पसंदीदा होता है, हर सब्जी में आता है। ये शकरकंद है, जी हाँ ये काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे, तो इस पर एक बार ध्यान दे दीजिएगा, शकरकंद। आलू पटेटो, सब्जियों का राजा। तरुई, तोरी, नेनुआ, देखिए तीनों चीज़ दिया हुआ है, ए टाइप बी टाइप। रेडिश, मूली के बारे में भी जानते होंगे, मूली के पराठे बहुत फेमस है। कद्दू, इसे कुम्हड़ा भी कहते हैं, पम्पकिन कहते हैं इसे इंग्लिश में। मशरूम, कुकुरमुत्ता कहते हैं इसे हिंदी में, तो ये तो आप पहचान जाएंगे, काफ़ी ये यूनिक है, कुकुरमुत्ता टाइप होता है, पेड़ की तरह होता है जैसे। कच्चा आम, मैंगो, किसी का नहीं फेवरेट है दोस्तों, मुँह में पानी आ जाता है कच्चा आम देखते ही। लेमन, तो लेमन तो आप सभी को पता ही होगा। भिंडी, जी हाँ दोस्तों लेडी फिंगर के नाम से जानता है, ओकरा भी कहते हैं इंग्लिश में से, तो लेडी फिंगर के नाम से फेमस है ये। इसे कटहल कहते हैं, ये भी काफ़ी यूनिक है, ये तो आपको पता ही होगा। हरी मटर, जी हाँ बहुत अच्छा होता है, ग्रीन पीस। अब इसे ग्रीन चिली कहते हैं, जी हाँ दोस्तों हरी मिर्च है ये, तो आपको इसके बारे में पता ही होगा। लहसुन के बारे में भी जानते होंगे, गार्लिक नाम कहते हैं इसे, काफ़ी फेमस है। अदरक भी आप जानते ही होंगे दोस्तों। खीरा कहते हैं इसे, ककड़ी भी जानते हैं, देखिए ककड़ी में देखिए कई प्रकार होते हैं, आप देख सकते हैं ये वाला ककड़ी है क्या है, इसे परवर कहते हैं, यहाँ पे देखिए परवर लिखा है। इसे ककोरा या कंटोला कहते हैं, ये भी काफ़ी यूनिक है क्योंकि इसका काफ़ी नुकीला होता है ये। 46 में आ देखिए केडियन बीन्स कहते हैं, इसे राजमा कहते हैं, आप जानते होंगे एक प्रकार की सेम है ये भी। हरी चौलाई, जी हाँ ये भी काफ़ी फेमस है, देख लीजिए। चिचिंडा कहते हैं इसे दोस्तों, जी हाँ दोस्तों ये तो मुझे भी नाम नहीं पता था, फर्स्ट टाइम मालूम पड़ा इसे नाम चिचिंडा, मैंने काफ़ी देखा है इसे सब्जी मार्केट में। कच्चा केला ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा। अजवाइन, जी हाँ दोस्तों अजवाइन तो है लेकिन देखा कभी नहीं था, नाम बहुत सुना है, आप भी देख लीजिए एक बार अच्छी तरह से। बैंगन, जी हाँ दोस्तों ये आप पता ही होगा आपको। टिंडा, इसे सहजन की फली कहते हैं, मोरिंगा भी कहा जाता है, डोमेस्टिक कहते हैं इसे इंग्लिश में। कमल ककड़ी, जी हाँ ये तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा, शायद आप में से कोई जानता होगा इसको। अरुई, ये जानते हैं दोस्तों आप, कांदू कचालू कहते हैं इसे, इसे जिमीकंद के नाम से जाना जाता है। आंवला तो आपको पता ही है, सिंघाड़ा भी पता होगा दोस्तों। सेमल, सेम्बल, जी हाँ दोस्तों ये तो थोड़ा यूनिक लगा, पेठा कहते हैं इसे, मेलन। करोंदा, जी हाँ ये बहुत मस्त होता है दोस्तों खाने में टेस्ट, इसे देखिए सूरती पापड़ी कहते हैं। 64 में आ चुके हैं दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं, हाथी चक, इसे सिसुमूल कहते हैं या अरारोट कहते हैं, देख लीजिए कैसा दिखता है एक बार अच्छी तरह से। पात्रा कहते हैं इसे, जी हाँ इसके पकोड़े बनते हैं बहुत अच्छे टेस्टी होते हैं, उर्दी में डाल के बनाया जाता है इसे। कुल्फा कहते हैं इसे, देख लीजिए एक बार। पहाड़ी करेला,
थोड़ा अलग नाम है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। इसे हॉग प्लम यानी अमड़ा कहते हैं, ऑरेंज कलर का है, देखिए कैसे इतना सुंदर दिखता है। कुंदरू कहते हैं इसे, कुंदरू भी इसे फेमस है, कुंदरू इसका नाम दिया गया, देख लीजिए। चने का साग, चने का खेत में गाना सुना होगा आपने, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। स्कूस इसका नाम है। सफ़ेद बैगन देखिए दोस्तों, ये भी आपने देखा होगा, कभी कभी मार्केट में भी दिखता है ये। सेंगरी की फली, जी हाँ दोस्तों, देखिए सेंगरी की फली मार्केट में आपने देखा होगा, इसको अलग अलग शहर में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, नाम से बुलाया जाता है। कच्चा पपीता तो आपने देखा ही होगा ऑब्वियसली। सनई का फूल, जी हाँ दोस्तों, सुना मैंने बहुत है, लेकिन मैं भी फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ। लाल पत्ता गोभी, ये तो बहुत ही यूनिक है, बहुत कम जगह मिलता है। कचरी देखिए, कच्चे केले का फूल। काली गाजर, जी दोस्तों मैंने अगर आपको सच बताऊं तो मैंने आज तक सच में मुंबई में तो मैंने भी फ़िलहाल तभी नहीं देखा है कभी कच्ची गाजर, काली गाजर सॉरी। ये गुंदा लसोड़ा कहते हैं, ये तो काफ़ी यूनिक है, नहीं क्योंकि मैंने काफ़ी जगह देखा है पर इसका नाम नहीं पता था। महुआ जो नॉर्थ साइड में है वहाँ पे आपको पता होगा महुआ। बांस की कोपले, कच्चा आम फिर से एक बार, 85 अगस्त का फूल, 86 गुलर, गुलर का पेड़ में होते हैं। तो यदि आपका नाम आपके पास जो भी इस लिस्ट में ना हो तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें भी दोस्तों, जी हाँ। तो दोस्तों ये टोटल हो गए आपको सारे मैंने सब्जियों के नाम बता दिए कि आपको कौन कौन सी सब्जियाँ जो है पूछी जा सकती हैं। तो आप बताता हो दोस्तों, ये सब होने के बाद जब आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाएगा दोस्तों तो आपको प्रवेश दिया जाएगा हॉल के अंदर यानी कि किचन में। अब वहाँ पे आपको संबंधित ट्रेड जो भी आपने दिए है वाटर कैरियर के जो आप चल रहा है आपका, तो वाटर कैरियर में आपको क्या क्या दिया जाएगा देखिए। आटा सानने के लिए दिए, जी हाँ दोस्तों कॉमन चीज़ हो चुकी है आटा सानने के लिए कहा जाता है, और ये 10 लोगों को आटा सानने के लिए देखा जाएगा, 10 लोगों को रोटी बनाने के लिए। फिर नेक्स्ट बैच को ऑमलेट बनाने के लिए कहा जाएगा, जी हाँ दोस्तों ऑमलेट। और नेक्स्ट को सलाद काटने के लिए कहा जा सकता है। तो ये अलग अलग जैसे जो है काम दिए जाते हैं, तो मैं इसमें से आपको समय के साथ बताता हूँ कैसे काम को जो है निपुणता के साथ करना है। जैसे कि आपको आटा सानने के लिए दिया गया 100 ग्राम आपको आटा मिलेगा, जी हाँ 100 ग्राम आपने आटा ले लिया, उसे कटोरी में रख लीजिए, उसमें पानी मिला लीजिए फटाफट। अगर आपको रोटी भी बनानी है तो ऑलरेडी जो है आप तवा लगा चढ़ा दीजिए, उसके बाद भट्टी पे चढ़ा दीजिए, तवा गर्म हो रहा है, यहाँ पे आपने आटा जो आपको आटा मिला है आप उसे फटाफट सान लीजिए रोटी बनाने लायक कम से कम, और इतना फास्ट कीजिए क्योंकि आपको एक मिनट का समय मिलेगा आटा सानने के बाद, तो एक मिनट में आपको जो तैयार होना चाहिए कि 100 ग्राम में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो टाइम को जो है मैनेज कैसे करना है वो आपको प्रैक्टिस पे है, जितना आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आप अच्छा वहाँ पर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो जिन जिन स्टूडेंट्स को जो है जितना टाइम को मैनेज करना सीखना है वो अपने घर पे टाइमर का यूज़ कीजिए और टाइमर के साथ जो है आटा सानिए। अब हो गया आपका आटा सना गया, अब रोटी बनाना है। जी हाँ दोस्तों, रोटी गोल होनी चाहिए, पतली ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सबसे बड़ी बात, मोटी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए यानी कि औसत में रखिए, और कच्ची नहीं होनी चाहिए, जल्दबाजी में ये गलती सब मत कीजिएगा जो लोग कहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, टूटना नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर रोटी आपकी टूट गई फूट गई, जिसे हम फुलाने के बाद जो है फूल जाते हैं, बस फूटना नहीं चाहिए, वो भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है। जलना नहीं चाहिए, रोटी मोटी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, फूलना नहीं चाहिए, फूलने के बाद फूटना नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और रोटी गोल होना चाहिए ये भी ध्यान दीजिए, तभी जाके आप जो है इसमें पास होंगे। सलाद काटने में मैं आपको बता दूँ, सलाद में क्या है मेन मेन चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे जो जो आपको दिया होगा, गाजर दिया है, मूली दिया है, ऑनियन दिया है, तो ये सब प्रकार जो चीज़ें हैं आप पहले इनको फटाफट गोल गोल काट लीजिए। काटने के बाद जो इनको सजाइए, सारा समय जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना टाइम है वो आपको सजाने में देना है। काटिए आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया दोस्तों, आपको पता है कि इतनी बारीकी से वहाँ नहीं चेक करेंगे कि आपने पूरा एक एक स्टेप काटा है अच्छे से, उतना ही लेंथ उतना ही मोटाई उतनी ही गुलाई के साथ, जी नहीं उसमें ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन आपके सजावट पर यहाँ पर मार्क्स मिल रहे हैं। तो आपको पता है कि 40 मार्क्स का ट्रेड है,
उसमें से आपको कितने मार्क्स आपको दिए जाएंगे ये कोई मायने नहीं रखता। जी दोस्तों, इसके ऊपर हमारा एक नेक्स्ट वीडियो आपको आने वाला है कि आपको मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और कैसे जो है लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। तो ये हो गया आपका सलाद का। अब आते हैं हम सब्जी काटने को। जी हाँ, लौकी काटने के लिए काफ़ी लोग फेल हुए थे हर बार की तरह। इस बार भी हमारे स्टूडेंट ने बताया कपूरथला में भी जो है लौकी लोग सही से नहीं काट पा रहे। लौकी काटने में देखिए, मैंने जो आपको डायग्राम बताया इसी प्रकार आपको लौकी काटा जाता है। जी हाँ दोस्तों, घर में आप देखिए, घर में आप ऑब्जर्व कर ही नहीं रहे दोस्तों। आप लोग सारा फोकस जो है स्टडी मटेरियल में डाल रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि ये चीज़ें ट्रेड टेस्ट है, स्किल टेस्ट है, यानी कि प्रैक्टिकली आपको करना है। आप घर पर लीजिए, लौकी मंगाइए, बाज़ार से लाइए, उसको ख़राब लौकी लीजिए, अच्छी लौकी लीजिए, जैसे लेना है आपको उसको काटना सीखना है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके आप वहाँ पे परफॉर्म्स कर सकेंगे। तो हमारे स्टूडेंट ने जो हमसे शेयर किया कि सर वहाँ पे जो है लोग नर्वस इतना हो जा रहा है कि लौकी काटते समय कभी किसी के हाथ में चक्कू लग जा रहा है, कभी लौकी छटक जा रही है। तो इस प्रकार का एग्जामिनर को पता चल जा रहा है कि ये यहाँ पर सिर्फ पहली बार जैसे आके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से जो है सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है स्टूडेंट से, काफ़ी लोगों का जो है रिजेक्ट हो रहे हैं। और जो 400 में से सिर्फ और सिर्फ 9 लोग सेलेक्ट हुए हैं। आज हमारे स्टूडेंट ने बताया सर 9 पीपल्स को सेलेक्ट किया गया। आप समझ सकते हैं कितना टफ रहा आज का डे, क्योंकि 9 लोगों का सिलेक्शन हुआ, यानी कि 1% जो है 10% कहते हैं हम, जिसे 100 में अगर एक सब्जेक्ट होता है तो 1% होता है, 100 में अगर 10 सेलेक्ट होते हैं तो 10% होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज क्या हालत रह गई है, 400 में सिर्फ 9 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। तो दिन का दिन कंपटीशन बढ़ते जा रहा है दोस्तों और टफ होते जा रहा है। तो आप सभी से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देखिए और सीखिए लोग क्या कर रहे हैं एक्स्ट्रा, वहाँ पे स्किल क्या आपको दिखा रहे हैं, समय को किस प्रकार बचाना है, कैसे आपको दो दो तरह मल्टीटास्किंग। जी हाँ दोस्तों, समय को बचाने का सबसे जरिया जो होता है मल्टीटास्किंग। आपने एमटीएस का नाम तो सुना ही होगा काफ़ी एग्जाम्स में, मल्टीटास्किंग स्टाफ। जी हाँ दोस्तों, ये वही चीज़ है यहाँ पर आपको जो करना है कि आपको मल्टीटास्किंग जो है काम करना है। आप ये सोचते हैं कि एक समय में एक काम करेंगे, नहीं, यहाँ पर आपको मल्टीटास्किंग वाला काम करना है। जी हाँ दोस्तों, तो जितना आप कर सकते हैं मल्टीटास्किंग वाला जॉब, यहाँ पे उतना ही आपको जो है मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि आपने आटा सानते समय, रोटी बनाते समय, आपने वहाँ पे गैस तवे पे लगा दिया, वहाँ पे रेडी बना दिया, ऑमलेट बनाते समय आपको अच्छे से फेंटना है, उसके बाद उधर आपने तवे पे ऑलरेडी तेल डाल के उसको चारों तरफ फैला दिया, उसके बाद आपने वहाँ पे ऑमलेट डाला, उसे पकाया, उसे उल्टा भी किया तो भी ऑमलेट फटा नहीं, टूटा नहीं, तो जाके वहाँ पे आप जो है सिलेक्शन पा पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने यही सब सीखा कि कैसे आपके सब सारे के सारे सब्जियों के नाम याद करने हैं, उसके बाद क्या होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आपको काफ़ी इसको सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। साथ ही दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस के साथ।